हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, मेरे सभी भारतवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और दोस्तों, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रिविज़न का डे फर्स्ट है दोस्तों। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रिविज़न क्लास करेंगे, बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप रिविज़न करेंगे इंग्लिश का, और बहुत ही शानदार क्लासेस आपकी होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल समय को देर ना करते हुए हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हम यहाँ पे चलते हैं फ्लैट पे। यहाँ पे आप सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा डे फर्स्ट है यहाँ पे, इसी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसका डे फर्स्ट की अभिवादन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, अभिवादन से हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका हम इसमें से ग्रीटिंग्स कहते हैं, ग्रीटिंग यानी कि हम इसे ग्रीटिंग कहते हैं। और आज आप इस अनूठे कोर्स का प्रथम दिन है, आइए सर्वप्रथम अभिवादन से शुरू करते हैं। मानव जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है दोस्तों, और अभिवादन करना शिष्टाचार की प्रथम सीढ़ी है। हमारे समाज में जब भी कोई दो व्यक्ति मिलते हैं तो वह सबसे पहले एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। हिंदी भाषा में अभिवादन का समय से कोई संबंध नहीं है, हर समय अभिवादन का ढंग अलग एक ही होता है, जबकि अंग्रेजी में दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों का अभिवादन किया जाता है दोस्तों। तो आइए हम आपको अभिवादन के वाक्य से पूरी तरह परिचित कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम देखिए समय अभिवादन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप समय अभिवादन। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा दे रखा है यहाँ पे सुबह से दोपहर 12 बजे तक हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुबह से 12 बजे तक हम बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे नमस्कार या प्रणाम को हम दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग मीन्स नमस्कार प्रणाम। और प्रणाम पिताजी के लिए हम बोलेंगे दोस्तों गुड मॉर्निंग पापा। ओके, गुड मॉर्निंग पापा। अब हम बात करते हैं नमस्ते, नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे नमस्ते दादाजी। तो नमस्ते दादाजी के लिए हम बोलेंगे इंग्लिश में हम गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा या गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट फोर है यहाँ पे नमस्ते गुप्ता जी, तो दोस्तों यहाँ पे हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता जी। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, तो यहाँ पे है हमारा श्रीमान जी नमस्कार, तो हम इंग्लिश में इसके लिए बोलेंगे दोस्तों गुड मॉर्निंग सर। ओके, अब हम बात करते हैं दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अगर यहाँ पे ये टाइम होता है, तो अगर हम नमस्ते बोलते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस नमस्ते। यानी कि अगर हम दोपहर 12 बजे से 5 बजे के बीच में हम किसी से अगर मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो अगर नमस्ते सबसे पहले करते हैं तो यहाँ पे गुड आफ्टरनून बोलते हैं हम दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे नमस्ते मम्मी जी। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे नमस्ते मम्मी जी, तो नमस्ते मम्मी जी के लिए हम बोलेंगे अगर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गुड आफ्टरनून मम्मी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट एट है नमस्ते बेटा, तो नमस्ते बेटा के लिए हम बोलेंगे दोस्तों गुड आफ्टरनून सन। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नमस्ते दादी, तो इसके लिए हम नमस्ते दीदी। ओके सॉरी, यहाँ पे बोलेंगे नमस्ते दीदी के लिए बोलेंगे हम गुड आफ्टरनून सिस्टर दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आप कितने भी लोगों से अगर आप शाम 5 बजे के बाद अगर हम मिलते हैं, तो हमें शाम को क्या बोलते हैं दोस्तों, नमस्ते के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, उसके लिए हम बोलेंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मीन्स नमस्ते, शाम की नमस्ते करते हैं शाम 5 बजे के बाद में दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11th पॉइंट हमारा नमस्ते चाचा जी, तो गुड इवनिंग अंकल दोस्तों। अब यहाँ पे रखा है यहाँ पे नमस्ते गुरु जी के लिए गुड इवनिंग सर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे और भी जो हमारा पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रात्रि के समय, यानी कि रात्रि के समय, तो हम शुभरात्रि के लिए बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, जो शुभरात्रि हमारा पॉइंट है आज के लिए बोलेंगे हम गुड नाइट। ओके, और हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है शुभरात्रि प्रिय, अगर किसी से हमें कहना है शुभरात्रि प्रिय, तो इंग्लिश में हम इसके लिए बोलेंगे गुड नाइट डियर। ओके, गुड नाइट डियर। अब दिन या रात, दिन या रात में किसी भी समय, दिन हो या चाहे रात हो, अगर अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वहाँ पे अगर आप कहते हैं अच्छा श्रीमान
चलते हैं विदा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, इसमें बोलेंगे गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मित्रों या बराबर उम्र के व्यक्ति से अभिवादन किस तरीके से करना है आपके लिए। तो जैसे मित्र है या अभिवादन है, तो हेलो, इसके लिए पहला हमारा ऑप्शन है हेलो, हेलो मिस, हेलो। और हमारे जो 17 है यहाँ पे हाय राज, हाय राज के लिए हम हाय राज बोलेंगे यहाँ पे। और हेलो रिया के लिए हेलो रिया ही बोलेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कभी भी विदा के समय, जैसे लोग जाते हैं वापस जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपसे मिल लिए फिर उसके बाद में अब उनके आप वापस कर रहे हैं या घर पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं अपने, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे अच्छा विदा, यानी कि लोग कहते हैं अच्छा चलते हैं लोग बाय बाय, तो हम इसके लिए बोलेंगे बाय बाय, इंग्लिश में बोलेंगे बाय बाय, टाटा भी बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे अच्छा चलते हैं मित्रों, तो गुड बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गुड बाय फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक किस्म अच्छा कल मिलेंगे, अच्छा कल मिलेंगे, तो यानी कि जैसे आप किसी से मिलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो आप इसकी बोल सकते हैं सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, इसमें देख पा रहे हैं सी यू टुमारो इसके। अब यहाँ पे ऐसे आप जर्नी करते हैं कहीं पे, यात्रा करते हैं दोस्तों, तो यात्रा के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आप इसके देख पा रहे हैं ओके, आपकी यात्रा सुखमय हो, तो विश यू अ हैप्पी जर्नी, विश यू अ हैप्पी जर्नी, विश यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा सुखमय हो। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, भाग्य आपका साथ दे, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक ओके। अभी दोस्तों यहाँ पे हमने इतना सीखा, अब इसके बाद में हमें कुछ पॉइंट है यहाँ पे, हमें जो स्मरणीय याद रखने हैं दोस्तों, ओके दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्मरणीय पॉइंट है जो हमारे, वो है रिमेंबर पॉइंट। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिता के लिए जो फर्स्ट पॉइंट हमारा, पिता के लिए फादर, पिता के लिए फादर के अलावा डैड या डैडी शब्दों का संबोधन भी किया जाता है। इसी तरह मदर के अतिरिक्त मम्मी या मॉम शब्द का प्रयोग करते हैं। दादा नाना के लिए ग्रैंडफादर की जगह ग्रैंडपा, तथा नानी दादी के लिए ग्रैंड मदर के अतिरिक्त ग्रैंड माँ भी कहा जा सकता है दोस्तों। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्मरणीय, हमें रिमेंबर याद रखना है पॉइंट को, तो अंग्रेजी में एक शब्द कई जगहों पर प्रयोग हो सकता है, जैसे चाचा मौसा फूफा ताया मामा सभी के लिए अंकल शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है हमारा, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक इसी तरह चाची मौसी फूफी ताई मामी सभी को आंटी आंट या आंटी कहकर संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं आप ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, किसी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर प्रयोग होता है, तथा किसी स्त्री के आदर के लिए मैडम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई या बहनों के लिए केवल कज़न शब्द का प्रयोग किया जाता है, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखनी है, कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर बिल्कुल नहीं कहा जाएगा दोस्तों, सिर्फ ओनली कज़न के साथ में संबोधित किया जाता है दोस्तों, चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई के लिए दोस्तों। अब सिक्स्थ पॉइंट है, बहुत ही स्मरणीय है दोस्तों, बहुत लोग गलती करते हैं इस पॉइंट में दोस्तों, आप इस पर देख पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पे, विवाहित स्त्रियों के नाम से पहले, या दोस्तों विवाहित जिन स्त्रियों की शादी हो जाती है उनके नाम से पहले मिसिस, और जो अविवाहित स्त्रियाँ होती हैं अविवाहित होती हैं उनके नाम से पहले मिस का प्रयोग किया जाता है, MS मिस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आज की बहुत ही शानदार क्लासेस थी दोस्तों, तो आज अब क्या करना है दोस्तों, इसको लगातार आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और इसको रिवीजन कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपके बहुत ही आपके रिवीजन में बहुत ही हेल्प करेगी। तो दोस्तों अब क्या करना है, सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, जिससे दोस्तों सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया दोस्तों। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पर व्यक्ति नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इस चैनल पर अच्छे तरीके की बहुत तरीके की वीडियो मिलेंगी आपको, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो सीखेगा वो ही जीतेगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।